कितनी बड़ी झूठ दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर बोलकर गए हैं। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट का हाथ पकड़ के ये बोला है, ये हुड्डा दीपेंद्र का वफादार है, लोगों से यहां पर वाणी काम किया था। आज हमारी पब्लिक बताओ कि वफादारी चीज क्या होती है, क्या वो प्राथमिक सदस्य है आज पार्टी का। अली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को सोनीपत रोहतक की राजनीति में चमकाने के लिए पता नहीं कितने नेताओं की यहां सोनीपत के अंदर बलि देने का काम किया है, जिसमें आज हम भी उस बलि का एक हिस्सा बने हैं। 2010 से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता मैंने हासिल की थी, यूथ कांग्रेस हल्का अध्यक्ष में रहा पार्टी के अंदर, 2012 में सोनीपत लोकसभा उपाध्यक्ष रहा पार्टी के अंदर, और आज हाल में मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूं पीसीसी। जिस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ने, आप राय हल्के की बात क्या करें कि पूरे हरियाणा की भी अगर बात कर ले, जो टिकट वितरण प्रणाली में आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने जो टिकटों में धांधलेबाजी करने का काम किया है, साथ में मेरे राय हल्के के अंदर जो हर हर कार्यकर्ता की जो अनदेखी करने का काम किया है, उससे आहत होकर आज मैं अपना रिजाइन, मैंने मेल भी डाल दी है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी, राहुल गांधी जी को भी, दीपेंद्र हुड्डा की मेल पर भी, और पर्सनल बिल्कुल आज मैं अपने सभी पदों से, कांग्रेस पार्टी के अपने सभी पदों से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आगामी कदम क्या होगा? आगामी जो हमारा कदम होगा, जो भी 2 से 3 दिन में होगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाद में, और जो भी हमारे कार्यकर्ता जो भी फैसला लेंगे, आज फिलहाल एक फैसला है, आज फिलहाल हमारी तरफ से एक फैसला है। मैं अपने हर कार्यकर्ता को आज आपके मीडिया के माध्यम से, चाहे उसमें राय विधानसभा की बात हो, चाहे उसमें हरियाणा की कोई से विधानसभा की बात हो, कोई भी विधानसभा की बात हो, खास खासकर अपने सोनीपत में अपने जो भी साथी हैं, आज से जिस प्रकार आपने देखा होगा 11 तारीख को टिकट में धांधलेबाजी हुई थी, गलत टिकटों का वितरण हुआ था, उससे हमारा पूरा परिवार आहत हो चुका था। 16 साल में जो हमने इस पार्टी के लिए, खासकर दीप चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जिस पेड़ की छांव में हमने बैठकर मतलब वहां पर कार्रवाई की है, हमने काम किया है उनके साथ, हर कहीं रैली की बात हो, जहां पर हुड्डा साहब ने जोड़ी पसारी, हम वहां भी खड़े हो गए उनके साथ में, जहां कहीं धरने प्रदर्शन की बात आई, हम उनके साथ खड़े रहे, जहां 2019 के अंदर खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी छोड़कर जा रहे थे, हम 1000 लोगों का काफिला लेकर परिवर्तन रैली रोहतक भी पहुंचे थे, और जिस दीपेंद्र हुड्डा की मैं उनका सिपाही था, उन्होंने संपर्क नहीं किया था कल तक, कोई भी संपर्क उनका 14 दिन के अंदर हमारे पास कोई भी संपर्क नहीं आया था, और वे बिना हमारे से पूछे जो खेवड़ा में यहां के कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के लिए प्रचार में आए, और आपने खुद वहां पर देखा होगा कितनी बड़ी झूठ दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर बोलकर गए हैं। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट का हाथ पकड़ कर ये बोला है, ये हुड्डा दीपेंद्र का वफादार है, लोगों से यहां पर वाणी काम किया था। आज हमारी पब्लिक बताओ कि वफादारी चीज क्या होती है, क्या वो प्राथमिक सदस्य है आज पार्टी का, क्या उसने कांग्रेस पार्टी के लिए कोई वर्क किया है, जिसको दीपेंद्र हुड्डा जी छत पर खड़े होकर वफादारी की जो बात कर रहे थे। कल हम और ज्यादा हमारे मतलब एक दिल पर सदमा पहुंचा है, और मैं अपने बार बार अपने कार्यकर्ताओं अपील करता हूं, 16 साल से तन मन धन से हम अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे, आगे भी उनकी हकों की लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। बस आज हमारा एक फैसला है, आज से हमारा हर कार्यकर्ता, पार्टी अगर मेरी कोई प्लेटफार्म होगा, उसका भी फैसला 2 से 3 दिन के अंदर किया जाएगा, और मेरा आज आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील है, मेरे राय क्षेत्र का दिल से जुड़ा और मेरा जो कार्यकर्ता है, आप राय राय विधानसभा में कार्रवाई मत करो कांग्रेस के खिलाफ, आप हर विधानसभा में जाकर जहां अपने परिचित आदमी है, जहां अपने कार्यकर्ता, हर विधानसभा में काम करो। जिस प्रकार इस बाबू बेटे की सरकार को यहां से खत्म करने का काम किया जाए, जो खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को सोनीपत रोहतक की राजनीति में चमकाने के लिए पता नहीं कितने नेताओं की यहां सोनीपत के अंदर बलि देने का काम किया है, जिसमें आज हम भी उस बलि का एक हिस्सा बने हैं। हम इतने बड़े कोई बिजनेसमैन नहीं थे, हम इतने बड़े कोई राजनीतिक परिवार से नहीं थे, हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर खाली दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति की थी, तो कौन इन पर भरोसा करेगा,
कौन इन पर विश्वास करेगा? और कोई भी दीपेंद्र हुड्डा, मैं चेतावनी देता हूं दीपेंद्र हुड्डा को, चैलेंज करता हूं भाई, समाज समाज से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पूरे समाज में 1000 आदमी बिठाओ, 2000 आदमी बिठाओ, 4000 आदमी बिठाओ, दीपेंद्र हुड्डा हमारे से डिबेट करो सामने, अपने आप पता लग जाएगा ये भाई झूठ की राजनीति, वो किस प्रकार से झूठ की राजनीति कर रहे हैं। और मैं अपने सभी किसान भाइयों को भी, मजदूर भाइयों को भी, मैं हर वर्ग के साथियों को एक मैसेज जरूर दूंगा।